बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के प्लेटफॉर्म से एक नए टॉपिक और एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज का हमारा जो सेशन है दैट इज़ अबाउट द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। जी हाँ, जो जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके हवाले से आज के मैं सेशन आपके लिए लेके आया हूँ। दिस इज द सेकेंड पार्ट। इससे फर्स्ट पार्ट में हमने अराउंड 20 इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे, और आज के इस सेशन में भी अराउंड 20 इंपॉर्टेंट मेडिकल एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हम देखेंगे, जो कि जनरल नॉलेज के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके नॉलेज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट हैं, और अपकमिंग जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं और टेस्ट हैं उनके लिए ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स और इनका यूज़ जो है उस हवाले से क्वेश्चन आते हैं। सो इस मुख्तसर सेशन में हम इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को कवर करने जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट जो हमारा सेशन हुआ था साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का, अगर आप वो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो भी देख लें, ताकि एक कंटिन्यूटी के साथ आप जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके सेशन को आप आगे बढ़ा सकें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज अल्टीमीटर। और अल्टीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है आपका अल्टीट्यूड, यानी कोई ऑब्जेक्ट सतह समुंदर से सी लेवल से कितना ऊंचा है, कितने बुलंदी पर वाकई है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं अल्टीमीटर। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पे देखें तो आपको अल्टीट्यूड भी लिखा हुआ नज़र आता है, और यहाँ पे आप देखें तो आपको फीट लिखे हुए नज़र आते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट सतह समुंदर से कितने फीट अल्टीट्यूड के ऊपर वाकई है, ये उसको मेजर करता है, उसको रिकॉर्ड करके बताता है। सेकेंड जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ कॉल्ड एम मीटर। और एम मीटर इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को मापने के लिए, कि हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट इज स्ट्रॉन्ग और वीक, उसकी स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए, उसकी कैपेसिटी मालूम करने के लिए एम मीटर इस्तेमाल होता है। आपने इसको एम्पेयर से आप इसको एसोसिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक एम्पेयर तो आपको पता होगा कि वो हम देखते हैं कि इतने एम्पेयर के है, तो उसी को मेजर करने के लिए एम मीटर इस्तेमाल होता है, जो मैं बताता है इस गेज की मदद से कि जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट वन इज बैरोग्राफ। बैरोग्राफ और बैरोमीटर दो इंस्ट्रूमेंट हैं जो इकट्ठे हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए बैरोग्राफ या बैरोमीटर दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मुताल्लिक हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा इसको एसोसिएट ये करना है, जो बैरोग्राफ है दैट इज यूज टू मेजर कंटिन्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये मुस्तकिल तौर पर लॉन्गर टाइम के लिए, लॉन्गर सेंस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको रिकॉर्ड करता है, उसको रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह का ये इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट का जो शेप है, जो हाइट है, वही देख के लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म या एक बड़े मैकेनिकल वर्क के लिए इस्तेमाल होता है। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द बैरोमीटर, इट आल्सो रिकॉर्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट इट रिकॉर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर ए शॉर्टर टाइम, फॉर ए ब्रीफ पीरियड, और इसके साथ साथ ये वेदर की जो फोरकास्टिंग होती है वो भी बताता है। जाहिर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेदर फोरकास्टिंग एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड चीज़ें हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही वेदर फिनोमिनन या वेदर फोरकास्टिंग के हवाले से मालूम किया जा सकता है, बट बैरोमीटर रिकॉर्ड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर ए शॉर्टर टाइम, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ऑन द अदर हैंड बैरोग्राफ इज यूटिलाइज्ड फॉर कंटिन्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट में आप देखें तो आपको यहाँ रेन का साइन नज़र आता है, यहाँ सन शाइनिंग का साइन नज़र आता है, और इसके ऊपर आपको मुख्तलिफ जो है वो आपको नज़र आते हैं, मुख्तलिफ नंबर्स नज़र आते हैं, तो ये बताता है कि इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो इससे वेदर फिनोमिनन या वेदर फोरकास्टिंग क्या होती है। सो बैरोमीटर एंड बैरोग्राफ आर यूज फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फॉर कंटिन्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड फॉर फोरकास्टिंग ऑफ वेदर फिनोमिनन। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर एक मशीन है, एक चीज़ है जो कि फार अवे और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को, जो दूर दराज की चीज़ें होती हैं, हमसे दूर होती हैं, उनको देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये इस बंदे के हाथ में बाइनोक्यूलर है। उर्दू में इसे क्या कहते हैं? उर्दू में इसे कहते हैं दूरबीन। दूरबीन का मतलब होता है दूर की चीज़ें देखने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है, जो मशीन इस्तेमाल होती है, उसे बाइनोक्यूलर या दूरबीन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज बोलोमीटर। बोलोमीटर थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने इसको याद करना है कि इट मेजर्स हीट रेडिएशन। जो हीट की रेडिएशन होती है उसको मेजर करने के लिए, कोई चीज़ कितनी हीट रेडिएट कर रही है
उसको मैयर करता है बोलोमीटर। इस बंदे के हाथ में ये बोलोमीटर है, आप देख सकते हैं, और यहाँ ये उसने हाथ में पकड़ा हुआ इसे ग्रिप है। अब ये दूर खड़े होकर इस कमरे के अंदर की जो हीट है, जो रेडिएशन है, उसको मैयर कर रहा है। तो आपने इसको याद रखना है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है, आप इसको रिपीट करेंगे या नोट कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। नेक्स्ट वन इज कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू गेज हाउ मच हीट ए मटेरियल एमिट्स और ऑब्जर्व्स। इसका मतलब ये है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी चीज है जो हमें ये बताती है कि किसी मटेरियल में से कितनी हीट अब्जॉर्ब हो रही है या कितनी हीट उसमें से खारिज हो रही है। किसी भी मटेरियल में से अगर ये चेक करना हो कि कितनी हीट उसमें से इमिट हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, कितनी वो हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं कैलोरीमीटर। लेकिन कैलोरीज का ताल्लुक भी एनर्जी और हीट से होता है, उसी से मिलती जुलती चीज़ है कैलोरीमीटर। और इसका काम भी यही है कि ये हीट एनर्जी को, हीट को उसकी अब्जॉर्ब करने की या इमिट करने की जो चीज़ होती है उसको ये रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट वन इज कार्ब्यूरेटर। कार्ब्यूरेटर से तो आप सभी लोग वाकिफ हैं, गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, और जो इंटरनल इंजन के अंदर जो इंटरनल कंबस्शन होती है उसका ये काम करता है, और फॉर चार्जिंग द एयर विद वाटर, वाटर वेपर, और जो चार्ज करता है एयर को वाटर पेट्रोल के वेपर के साथ, यानी पेट्रोल के बखारात के साथ एयर को चार्ज करता है और इंटरनल कंबस्टन के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ये इस तरह के कंपोनेंट है जो गाड़ी के इंजन के अंदर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वन इज कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम एक इंस्ट्रूमेंट है दैट रिकॉर्ड्स हार्ट मोशन, जो इंसानी दिल है उसकी हरकत को रिकॉर्ड करता है। जब वो कार्डियोग्राम के ऊपर कैप्चर होती है तो उसको रिकॉर्ड कौन करता है, कार्डियोग्राम करता है। और इस तरह के कार्डियोग्राम की जो पिक्चर सामने आती है जिससे हार्ट की जो मोशन है और मोशन है वो रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट वन इज क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर इट एस्टैब्लिशेस अ लोकेशंस लॉन्गिट्यूड ऑन अ शिप। याद रखें, जो समंदर में बहरी जहाज चलते हैं उनकी लोकेशन का अल्टीट्यूड कितना है उसको मापने के लिए, उसको गेज करने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं क्रोनोमीटर। शिप्स में इस्तेमाल होता है, समंदर में इस्तेमाल होता है, और ये उस जगह पे जहाँ पे जहाज उस वक्त शिप चल रहा है उस जगह की अल्टीट्यूड, उस जगह का जो लॉन्गिट्यूड है वो मालूम करता है या वो एस्टैब्लिश करता है कि उसका लॉन्गिट्यूड कितना है। नेक्स्ट वन इज साइनेमेटोग्राफी। साइनेमेटोग्राफी इज अ मशीन और इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू इन लार्ज पिक्चर्स। ये तस्वीर को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करता है, ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर दिखाने के लिए। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये साइनेमेटोग्राफी है, और इसकी मदद से पिक्चर को बड़ा करके वॉल के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखाया गया है। नेक्स्ट वन इज कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर इज यूज फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ह्यू इंटेंसिटी। देखें, एक होता है कैलोरीमीटर, CALORI कैलोरीमीटर, ये है कैलोरीमीटर। इसका ताल्लुक किसके साथ है, इसका ताल्लुक कलर के साथ है, आपने याद रखना है कैलोरीमीटर। और ये इस्तेमाल होता है फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ह्यू इंटेंसिटी, कलर के, देखें जो बेसिक हमारे कलर्स होते हैं उसको उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जो कंट्रास्ट है, जो ह्यू है उनके बीच में, उसकी इंटेंसिटी को गेज करने के लिए कि जो चीज़ इस्तेमाल होती है, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं कैलोरीमीटर, CALORI कैलोरीमीटर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैलोरीमीटर की मदद से मुख्तलिफ कलर्स के बीच में जो कंट्रास्ट या डिफरेंस है उसको गेज किया जाता है। अगला हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ इज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो कि इस्तेमाल होता है फॉर टू मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है क्रेस्कोग्राफ। इस तरह का ये इंस्ट्रूमेंट है और ये गेज करता है मुख्तलिफ फैक्टर्स की प्लांट के अंदर, जिससे उनकी ग्रोथ के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट वन इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, देखें इसका नाम से ही जाहिर है कि ये ऐसी चीज़ है जो साइकिलिंग के काम आती है, और साइकिलिंग के जो भी जहन में नाम आता है तो हमें चीज़ों को घुमाने के, साइकिल करने के हवाले से हमारे जहन में तस्वीर आती है। इट इज़ अ चार्ज्ड पार्टिकल एक्सीलेटर। जितने भी पार्टिकल्स चार्जिंग होते हैं उनको, उनकी चार्जिंग के प्रोसेस को एक्सीलरेट करता है, बढ़ाता है। और इससे क्या होता है, इट रेजेस द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, जिससे वो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है।
ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें से जिस पार्टिकल्स को आपने चार्ज करना आता है उसके चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए इस तरह के साइकिल से गुजारा जाता है। और इससे क्या होता है, जब आयोनाइजेशन होती है तो उनसे उनकी एक तो चार्जिंग भी एक्सेलरेट होती है, और जब उनकी चार्जिंग एक्सेलरेट होती है तो उससे उनकी जो एनर्जी होती है वो बूस्टअप हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाता है, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट वन इज डायनेमो। डायनेमो किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट या कंपोनेंट है जो मैकेनिकल एनर्जी को यानी मशीन की एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। याद रखने आपने, डायनेमो मशीन की एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, मुख्तलिफ मैकेनिकल जो मैकेनिकल सिस्टम्स हैं उसमें डायनेमो की शिकल और उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बेसिक उसका वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। नेक्स्ट वन इज डायनेमोमीटर। देखिए डायनेमिक्स किसे कहते हैं, डायनेमिक्स कोई चीज़ की जो मोशंस की प्रिंसिपल होते हैं मोशन से रिलेट करती है। अब यहाँ पे डायनेमोमीटर एक मीटर है जो कि कंप्यूट्स पावर टॉर्क एंड फोर्स। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो इंजन के या एक्सल के या किसी और मशीन की पावर कितनी है, उसकी रोटेटिंग पावर कितनी है, टर्निंग एंड ट्विस्टिंग की पावर कितनी है, और उसकी फोर्स हार्स पावर के हवाले से कितनी है, उसको कंप्यूट करने के लिए, उसको मापने के लिए, उसको डिटरमिन करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं डायनेमोमीटर। इसकी यहाँ पे जो शेप आपको नज़र आती है ये कोई एक शेप है, किसी मुख्तलिफ मैकेनिकल प्रोजेक्ट में कोई डायनेमोमीटर की शिकल मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन प्रिंसिपल उसका क्या है कि वो किसी भी कंपोनेंट या इंजन है या चेसिस है उसकी पावर मापता है, उसकी रोटेटिंग पावर टर्निंग एंड ट्विस्टिंग की पावर, उसकी फोर्स कितनी है, उसको कंप्यूट करने के लिए, उसको मापने के लिए इस्तेमाल होता है। That comes to the end of this session. आज का session अपने इख्तिताम को पहुँचा। मैंने कोशिश की है simple form में, interesting form में जो scientific instruments हैं वो आपके साथ share करूँ। Next session तक आप मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते आपसे request करूँगा मेरे channel The Study of MCQs को लाजमी आप subscribe करें, और bell icon को press करने के बाद all के button को आपने click करना है ताकि जितने भी latest notifications है उसकी बर वक्त आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।